वहीं दुर्ग पुलिस ने युवाओं के शरीर में टैबलेट गोलियों के जरिए खून में जहर घोलने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 67,000 गोलियां और टैबलेट बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए आकी गई है। दरअसल न्यू खुर्सीपार स्थित श्याम मेडिकल से 4 लोग स्कूटी के माध्यम से कार्टून भर के नशीले दवाइयों का खेप ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। मामले में नामी कंपनी का MR और मेडिकल संचालक भी शामिल है। दुर्ग पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही तेज कर दी। दुर्ग पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, और चूंकि इस दौरान होली का त्यौहार है और जिसके तारतम्य में SSP महोदय के द्वारा नारकोटिक सेल और खुर्सीपार थाने की टीम को पृथक से लगाया गया था कि होली को देखते हुए यदि इस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं तो उनको राउंड अप करें। उसी पर से हम लोगों ने 5 आरोपियों को, जिसमें एक महिला आरोपी है, और उनसे 67,000 टेबलेट्स, नशे के टेबलेट्स को जब्त किया है। और इसमें पूरा चैन हम लोगों ने चैन को ख़त्म किया है। जहाँ से माल सप्लाई होता था, मेडिकल संचालक के बाद जो नीचे के पैटलर थे उन सबको, तो इसमें एक पूरा का चैन हम लोगों ने क्रैक किया है। और लगभग 30 लाख के रुपए के टेबलेट्स मार्केट रेट में उसको रिकवर किया। ये एक अच्छी सफलता है होली स्पेशल। निश्चित तौर पर होली को देखते हुए हम अपनी कार्रवाई को और तेज करेंगे अभी, क्योंकि होली को शांतिपूर्वक उसको मनाया जाना है और दुर्ग पुलिस इसके लिए प्रतिबद्ध है। होली के बाद भी इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।